लेडीज एंड जेंटमैन वेलकम टू द मॉड्यूल फिफ्टी फोर्थ इनोवेशन एंड दोशल चेंज अब आ जाइए इनोवेशन की तरफ और सोशल चेंज की तरफ इंक्लूजन पढ़ लिया एक्सक्लूजन पढ़ लिया इन दोनों को आपस में अपने जहन नशीन कर लीजिए अपने मक़् में बिठा लीजिए और इसकी तकसीम से अलग मत जाइएगा इन दोनों को अगर आप इकट्ठे नहीं रखेंगे तो आपको सोशल आंट्रप्रनोरियल डिवेलपमेंट का आइडिया उस तरह से समझ नहीं आएगा जिस पैटर्न पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ अब यहाँ देखिए कि इनोवेशन कहती क्या है मैंने आपको इल्मी मीशत यानी नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में बताया आप यूँ समझ लीजिए कि इसको थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल कर देता हूँ यानी थोड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ सिरम्स होते हैं कुछ सिरप्स होते हैं इतने बेशुमार इवन एव, यहाँ समझ लीजिए कि आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो चर्बी से भी बच जाते हैं बाज़ात बड़ी बड़ी दवाइयों में आपके इस्तेमाल हो जाते हैं मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बातों की तरफ नहीं जाता लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिन मुल्कों के अंदर जला दिया जाते हैं हड्डियों को उसमें से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन हैं लेकिन बहुत सारी जो बसीदा हड्डियाँ हैं यहाँ पर जो इंसानी हड्डियाँ हैं वो तो कई बीमारियों का के लिए काम करती हैं मसलन एपिलेप्सी एक बड़ी बीमारी है और कहा जाता है कि जो पुराने ज़माने के हुक्म थे यानी हकीम लोग थे वो ब्रेन के अंदर उस हड्डी के अंदर से कुछ पार्चजात ले लिया करते थे और उसको उस दवाई के अंदर डालते थे जिसकी वजह से इवन एपिलेप्सी का यानी मिर्गी का भी इलाज हो जाया करता था इस तरह से इनोवेशन और इल्मी मेडिकल साइंस के अंदर इसी तरीके से सेंसर्स जो है, वो ऑडी और मर्सडीज वगैरह के अंदर और बी एमडब्ल्यूज के अंदर और बेशुमार कारों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने जैसे तरक्की की कि सारी की सारी जो है वो रेप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन माइंड है बॉडी है आप देखते हैं कि बकरी किस तरह बिहेव करती है आप देखते हैं चूहा कैसे बिहेव करता है हाथी कैसे बिहेव करता है ऊंट कैसे बिहेव करता है तो अगर सवारी वाले जानवर किस तरह बिहेव करते हैं उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपका ऑटोमोबाइल बनना शुरू हो गया फिर आपने देखा रिबोटिक्स कैसे बिहेव करते हैं वो आपके रिबोटिक्स बिहेव करना शुरू हो गए फिर पेट्स कैसे बिहेव करते हैं आपने मुख्तलफ और किस्म की प्रोडक्ट्स यानी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर वैसी चीज़ें डालना शुरू कर दी यानी इंसानी जहन जो है वो कई दफ़ा डोमिनेट करता है चीज़ों को कई दफ़ा बाइसेस लेकर आता है इंसानी जहन को आप समझ लीजिए कि वो बायस्ड होता है मसलन अगर मैं एक चांद को देखता हूँ तो चांद को भी मैं ऑब्जेक्टिफाई और सब्जेक्टिफाई दो चीज़ों में करूँगा या तो मुझे चांद पसंद होगा या मुझे नहीं होगा और अगर मैं चांद के बारे में अच्छी बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि फ़लाँ की शक्ल या फलाँ मेरा बेटा जो है वो चांद की तरह है और अगर मैं ये कहूँगा कि इसी को मैं इम्प्रोवाइज करके दूसरी तरफ ले करूँ चांद तो है लेकिन गिरन लगी ही नहीं पॉइंट so यह है कि इसको मैं तीसरे भी तरीके से कर सकता हूँ इसी तरह सूरज की भी बहुत सारी एवरीवेसन हो सकती है इसको लफ्ज़ को मेटाफर कहा जाता है या मेटाफॉरिक लैंग्वेज कही जाती है इनोवेशन के अंदर जहाँ फंक्शनैलिटी के अंदर चेंजेज आती रही वहाँ पर मेटाफॉरिक लैंग्वेज में भी चेंज आती रही और इसको मैं लिंगुअल चेंज कह रहा हूँ लिंग्विस्टिकली भी चीज़ों को जब तब्दील किया जाता है तो बहुत सारे हरूफ और मामल तब्दील होते रहते हैं यानी आपके नाम और उनके नामों का रखना तब्दील हो जाता है और फिर ये किसी रीजन से होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है आइडेंटिटी क्या है उससे रिलेट करते हैं अब आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलूट विच रिक्वायर्स वर्क ऑन नॉलेज क्रिएशन थ्रू क्रिएटिविटी आइडिया जनरेशन एंड आर एन डी अब तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट मिलती हैं हमें नॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से वो है क्रिएटिविटी वन आइडिया जनरेशन टू और रिसर्च एंड डेवलपमेंट तीन Hence, to the अच्छा, को मैं कर दूं तो प्लस लगा लीजिए क्रिएटिविटी प्लस आइडिया जनरेशन प्लस आर एन डी टू इनोवेशन अब सोशल कैसे करता है इट इज सिचुएशन देखिए सोशल चेंज जो है वो सिचुएशन बेस होता है इट इज कंप्लीटलीडरशिप ऑल्सो कम इन टू द डायरेक्शनल वे यानी आपकी लीडरशिप जो है वो हर अंदाज से डिफरेंट होगी मसलन मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से बना या मुतल यानी आपके जो है मुतशद्दीन की वजह से हुआ या फला की वजह से हुआ भाई मामला तो उसके अंदर स्ट्रेटेजिक लेवल के थे फता मक्का का एक आम वाक्य आपके साथ अर्ज करता हूँ लोगों को लगा कि नबी मोहम्मद सल्ला वीरीबन दस लाख लोगों के साथ आ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटजी तेईस साल की चल रही थी पीछे एक फता मक्का जो कि फाइनल डेस्टिनेशन है उसको पूरा करने के लिए इतनी बड़ी तेईस साल की जद्दोजहद तो उसके अंदर कैसरो केसरा को खत लिखे गए तो जो भी इंटरनल मामला आता है कहीं ने लेटर फाड़ दिए किसी ने कुछ कर दिया किसी ने कुछ कर दिया किसी किस्म की भी एड नहीं मिली ये सोशल आंट्रप्रन्य की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वेस्टमेंट बाद में करती नहीं पहले नहीं आए जब हजूर ने मक्का फातः कर लिया तो कैसो किसरा ने भी सर नीचे कर दिया बड़ी बड़ी और ताकतें थी ईरानियन एम्पायर पूरी की पूरी नीचे आ गई बाकी एम्पायर्स भी नीचे आ गई लेकिन फतेह मक्का के बाद सोशल जो चेंज है वो ऐसे नहीं आई वो तेईस साल हजूर अल्लात को कोलीहदा आइसोलेशन में रहना पड़े और आइसोलेशन में कैसे रहे कि जिस वक्त उन्होंने मार्क किया व्हेन ही मार्क टू द मक् तो उन्होंने एक स्ट्रैटी डिवेलप की कि मैं तलवार नहीं चलाना चाहता तो उसका तरीका यह है कि बूढ़े बच्चे सारे मिला करके मशल पकड़ी और एक आदमी की दूसरे आदमी से पांच किलोमीटर का डिस्टेंस रखा इस तरह बलाई सतह पर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जो मक्का के सरदारान थे उन्होंने कहा मोहम्मद अलैहि वसल्लम देखो बहुत बड़ी कुवत के साथ आ रहे हैं कम से कम दस लाख लोग हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो यूं इस तरीके से इनके जहनों के ऊपर असर तारी हुआ और वो डर कर उन्होंने तलवारें रख दी ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आपके जहनों के साथ वो इम्पैक्ट देना वो परसेप्शन क्रिएट करना और उस बिलीफ ऑर्डर के अंदर ले आना और जीती हुई जो यानी मकसद क्या था तलवार चलेगी तो खून होगा खून ना चले एक परसेप्शन क्रिएट हो और आपको जो अचीव करना वो कर लिया ये एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसी तरीके से आप मार्केट के अंदर जब जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रांडिंग को आपने इस शरता पर लेकर आना है कि जिसकी वजह से बाकी बिजनेसिस को नुकसान हो लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कीजिए जिसकी वजह से आपकी सही फंक्शनल प्रोडक्ट भी जो है वो मार्केट में बिक जाए इसका आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वो कहां पर जाती है जी कि इनोवेशन एंड सोशल चेंज के अंदर जो आता है वो डेटा और उसकी इनसाइट है जैसे मैंने आर्स की किस नंबर वन इसके अंदर ड्राइवर्स ऑफ द सोशल चेंज के अंदर नंबर वन जो मैं ले रहा हूं वो है डेटा और इन दूसरे के अंदर मैं देखूंगा तो पॉलिसी शिफ्ट्स यानी आपको डायरेक्शनल शिफ्ट लेकर आनी होगी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू जो है वो है पब्लिक परसेप्शन हाउ यू क्रिएट द पब्लिक परसेप्शन जिसकी मैंने परफेक्ट एग्जाम्पल दी फतेम का साथ अब आ जाए कि आपने आ, आपने डिसरप्टिव किस्म की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है एंड देन आपके ब्राइट स्पॉट्स क्या है ब्राइट स्पॉट्स को जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल इनसाइट है जैसे पांच किलोमीटर का डिस्टेंस रख के पता चला कि मछलें और ढेलवान यानी ये वो नॉलेज है जो कि इंपार्ट नहीं था उनको वो दिखाया गया जिसकी वजह से वो यानी स्ट्रेटजी को डेवलप नहीं कर सके और उनको लड़ने का हौसला ही नहीं हुआ तो ये चारों चीजों को जब मैं देखूंगा तो मैं इसको कंक्लूड करते हुए आपके सामने पढ रहा हूं वो ये कि सोशल चेंज हैपन वन स्टेप एट टाइम बट वेयर टू बिगिन वी took लुक एट Somebody टुडे मोस्ट सक्सेसफुल सोशल इनिशिएटिव एंड एडेंटिफाइव स्ट्रेटजिक प्रोएक्टिव अप्रोच जो मैंने अभी ऑलरेडी आपके सामने पेश की सो so हमें अब ये समझ आ गया कि अपने डेटा और इन साइट से लेकर पॉलिसी सेफ्ट से लेकर पब्लिक परसेप्शन से लेकर इसकी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन से लेकर ब्राइट स्पॉट्स को कैसे मैनेज करना है ब्राइट स्पॉट्स को ट्रिगर कैसे करना है और ऑन द हेट कैसे लेकर आना है दैट वी विल क्रिएट द इनोवेशन एंड सोशल चेंज इसी के जरिए हम अपनी इनोवेशन को सोशल परस्पेक्टिव के मुताबिक चेंज कर पाएंगे और कामयाब हो सकते हैं थैंक यू वेरी मच